गरम मसाला, एक बड़े चम्मच धनिया पाउडर, एक बड़े चम्मच काली मिर्च, एक बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर और दो प्याज काट करके हमने भून लिए हैं और दो हरी मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक। हमें लगेंगे एक पूरा नींबू जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिकन। चिकन हमने 300 से 350 ग्राम लिए हैं। सबसे पहले हम लोग नींबू ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्याज डालेंगे, भुने हुए प्याज, फिर मिर्च, फिर सारे मसाले ऐड कर देंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम लोग उसको अच्छी तरह मिला लेंगे। चिकन को अच्छी तरह मिलाना है। अच्छी तरह मिलाने के बाद हमें ऐड करेंगे उसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। नमक को अच्छी तरह हम लोग मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें डाला लेमन जूस। सबसे पहले ऐड किया था हमने लेमन जूस, उसके बाद हम लोग एक बड़ी चम्मच घी डालेंगे। घी को अच्छी तरह हम लोग चिकन के ऊपर लगाएंगे, मिला लेंगे। हमें चिकन में अच्छी तरह से मसाले मिलाने हैं। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे। मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच। इसे मैं अच्छी तरह मिला लूँगी। मैं अपने हाथों से मिलाऊँगी। मिलाने के बाद इसे मैं 3 से 4 घंटे फ्रिज में रख दूँगी। 3 से 4 घंटे मैरिनेशन के बाद चिकन हमारा पुलाव के लिए बिल्कुल रेडी होगा। अब मैंने यहाँ पे 2 छोटे गिलास चावल लिए हैं। चावल मैंने गोविंद भोग चावल यूज़ किया है। आप इसमें बिरयानी के बड़े राइस वाले चावल, बड़े दाने वाले चावल यूज़ कर सकते हैं। 2 गिलास मैंने नाप लिया है। उसके बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी, अच्छी तरह वॉश कर। मैं इसे वॉश कर लूँगी। अच्छी तरह वॉश होने के बाद मैं इसे फिर थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दूँगी। पानी से बहुत अच्छे से वॉश करना है ताकि इसका पूरा स्टार्च चला जाए। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम लोग सादा तेल, रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल गर्म होने पर सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे गरम मसाला, लाल होने पर इसे धो लेंगे। अब हम लोग उसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। उसके बाद पूरी सी हल्दी, थोड़ा सा फ्राई करना है। इसमें हम लोग
मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे जो हमने पहले से ही मैरिनेट करके रखा था। इसमें हमने सारे मसाले ऐड किए थे। जब तक हमारा चिकन रेडी होता है तब तक हम लोग ये धुले हुए चावल को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने दो बड़े चम्मच घी डाले। धुले हुए चावल ऐड कर देंगे। तो कंटिन्यूस चलाना होगा नहीं तो ये पूरा लाल हो जाएगा। तो हम एक कलर में लाएंगे। हम 5 मिनट मीडियम फ्लेम लो फ्लेम सेट करके हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। चिकन और आलू अच्छी तरह कुक हो जाए इसे हम लोग लो फ्लेम में ही पकाएंगे। हम इसे ढककर ये चावल हमारा फ्राई हो चुका है इसे हम लोग डालेंगे। इस बर्तन में मैंने पहले से पानी गर्म करके रखा है। पानी हम लोग उस हिसाब से डालेंगे। इस ग्लास से मैंने चावल नापा था तो चावल मैंने 2 ग्लास लिया था तो पानी मैंने उसका डबल लिया है यानी कि 4 ग्लास। इसे मैं 1-2 तेज पत्ता डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर इस पानी को मैं उबालूंगी। पानी हमारा उबल चुका है। चावल हमारा राइस रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर से ये चिकन को डाल देंगे। चावल आधा पक चुका है। अब इसे हम लोग इसमें चिकन ऐड कर देंगे।